तो चेंज इन प्लान हो चुका है हमारा भाई। नहाने को मिलेगा आज की नहीं मिलेगा? छोटा दिख रहा है, हम लोग पहले नीचे उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो दोस्तों कहानी अब ऐसी हो गई है कि हम रास्ता भटक गए। तो दोस्तों ये कैसा रास्ता है, इधर राइट साइड में सीधा खाई और इधर राकेश यादव चिपके हुए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं द अंडररेटेड ट्रैवलर। सो आज मैं फिर से निकल चुका हूँ एक सीक्रेट खुफिया हिडन वाटरफॉल की तरफ जो कि मालदेवता के साइड में पड़ता है। अभी रास्ता मेरे को भी नहीं मालूम एग्जैक्टली कहाँ से है, मैं भी यूट्यूब वीडियोज़ के से देख के जा रहा हूँ। सो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी ऐसे ही बेहतरीन मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ। ये वाला वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बैठते हैं बाइक पर और मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इस समय हम लोग मालदेवता में और हमारे सारे दोस्त मिल चुके हैं ये राकेश आगे वाली बाइक पर और हम लोग अब चल चुके हैं वाटरफॉल की तरफ। तो प्लान ऐसा है कि पहले जाएंगे वाटरफॉल, अगर वाटरफॉल अच्छा लगा वहाँ पे नहाने का इंतज़ाम हुआ तो नहा लेंगे और अगर नहीं हुआ तो फिर मूव करेंगे हम लोग सल्फर पॉम के लिए। बट फिलहाल वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हुए। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो मेरे सामने इस समय है मालदेवता वाटरफॉल जो कि इस समय नहीं चल रहा है, बट बरसात के मौसम में जब पानी का फ्लो ऊपर से अच्छा आता है तो इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों थोड़ा सा चेंज इन प्लान है, जो वाटरफॉल हम जा रहे थे वहाँ नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं दूसरे वाटरफॉल जिसको रेस्ट्रिक्टेड वाटरफॉल पहले बोला जाता था। मस्त प्लान है, बट अब वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो उसके लिए अब हम वापस जा रहे हैं मालदेवता वाले रोड पे और वहाँ से दूसरे रूट पे जाएंगे एंड देन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो टर्न है, अगर आप देहरादून से आ रहे हो तो ये वाला जो टर्न है यहाँ से हम जैसे अभी राइट मुड़ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट लेना है। अब हम इस रूट से जाएंगे रेस्ट्रिक्टेड वाटरफॉल की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं लाल पुल में, ये जो राइट साइड में आपको लाल पुल रहा है इसी रास्ते में मुड़ना है अपने को। अबे इधर जाना है, इधर ही है वो पार्किंग ना, ये पार्किंग है फिर यहाँ से पैदल है। कितनी भीड़ है यहाँ पे भाई, क्या है ये? तो दोस्तों ये क्या दुविधा आ गई, ये पतला सा ब्रिज, अब इससे हम लोग उस पार जा रहे हैं। ओए होए, तो चेंज इन प्लान हो चुका है हमारा, प्लान बदल चुका है पूरी तरीके से। हाँ ये कर लो पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिली जहाँ पे हम लोग गए थे। ओके धीरे 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 धीरे, तो इजीली मेरी फट गई भाई सही में। कहाँ जा रहे हैं यार, हम लोग जगह नहीं मिल रही। तो हम लोग फिर से निकल चुके हैं नई डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ जो रेस्ट्रिक्टेड वाटरफॉल था वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, मतलब नीचे पार्किंग में भीड़ थी और 1 किलोमीटर ट्रैक है तो मुझे उम्मीद थी कि वहाँ पे ऊपर लोग होंगे ही होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे ऊपर जाके। और अब हम आगे जा रहे हैं मालदेवता में ही, और राकेश ने हम लोग को ये बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक और वाटरफॉल है आगे, तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब हमारा ना कटे। भाई नहाने को मिलेगा आज की नहीं मिलेगा? नहीं पक्का, चलो फिर। करीब 1 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल। यहाँ पे भी हम लोग को गाड़ियाँ तो दिख रही हैं, अब पता नहीं वाटरफॉल है कहाँ। चलो जो लड़का हम लोग को लेके आया उससे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है। पहले पीछे देखो कितनी पार्किंग है, भीड़ कितनी है, बहुत सारे लोग आ रखे हैं। अब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे जाके हम लोग को जाना है उस साइड। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में तो वैसे दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। हम लोग पहले नीचे उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे, चलो आ जाओ लेट्स गो। तो दोस्तों अभी अपने साथ कौन कौन है, सबसे पहले तरनजीत, ठीक है, उसके बाद ये राकेश इसका बड्डे था, हाय बोलो, हेलो। राहुल है हमारे साथ, पार्थ है हमारे साथ, और नाम बोले अंकुर और नरेंद्र हम लोग के साथ। तो हम लोग को यहाँ से अभी नीचे जाना है, पहले नीचे उतरेंगे, स्टार्ट करते हैं। तू मेरे साथ आराम से, बैग है तेरे पास बैग है, क्योंकि हमें खाने की ज्यादा जरूरत है। उतरने में तो बहुत मजा आ रहा है, ये वाटरफॉल। हाँ घर बनाने आ रहा है। तो दोस्तों पहले आप रास्ता देखो, थोड़ा सा कठिन रास्ता है,
अभी तो नीचे उतर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। जब वापसी चढ़ेंगे तब तब पता चलेगा। ये किसी को मत बताना कि मैं गिरा था। देखो अभी थोड़ी देर पहले राकेश गिरा था, लेकिन राकेश के पास में उसका लेवल 1 का हेलमेट है, जिससे कि वो पूरी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। हम लोग नदी के पास आ चुके हैं, आप देखो वो नदी के उस पार हम लोग को जाना है, झरना उस साइड है। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, अब हमको नदी पार करनी है। ओ भाई साफ पानी एकदम। तो दोस्तों कठिनाई का वक्त आ चुका है, अब हमको फिर से चढ़ाई करनी है स्टार्ट। तो सिपाही तैयार हो? तो दोस्तों कहानी अब ऐसी हो गई है कि हम रास्ता भटक गए। हम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे थे, उस चक्कर में रास्ता भटक चुके, अब वापस जा रहे हैं हम लोग पीछे। भाई मैं यार परेशान हो चुका हूँ लॉन्डो से, ये कह रहे हैं यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है। देखो दोस्तों रास्ता तो थोड़ा सा कठिन है, बट क्या है कि जज्बा हमारे अंदर इतना है कि हम चले जाएंगे। तो एक मिनी झरना यहाँ पे आ चुका है, हमें एक्चुअली इससे भी ऊपर जाना है जो बड़ा झरना है। तो राकेश का हेलमेट ना निकालने का रीजन ये है, इसके बाल देखो बालू हो जैसे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं एक छोटे से वाटरफॉल पे, बट हमारी डेस्टिनेशन ये नहीं है, डेस्टिनेशन अब इससे और थोड़ा सा ऊपर है। पहले चलेंगे ऊपर, फिर देखते हैं वहां पे क्या नजारा है। यस और ऊपर है, आपको क्या कहने, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। तो दोस्तों एक एक झरना हम लोगों को यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, क्वालिटी भीड़ है। तो ये झरना है, बट अब हमें यहाँ पे भी नहीं रुकना है, हमें इससे भी ऊपर जाना है। ये हमने पहले नीचे वाला झरना देखा, ये दूसरे नंबर वाला है, हमें तीन झरने पे जाना है, तीसरे वाले पे। और तीसरे के लिए हम लोग और ऊपर चढ़ेंगे अभी। अरे भाई चढ़ तो जाएंगे, उतरेंगे कैसे? ये हमारा राकेश जाबाज सिपाही पूरा खाना लेके चढ़ रहा है। तो दोस्तों ये कैसा रास्ता है भाई, बहुत बहुत टफ है, चिपक चिपक के चलना पड़ रहा है। और हाँ आराम से इधर राइट साइड में सीधा खाई, और इधर राकेश यादव चिपके हुए। मैंने कहा था कुछ छोटा रास्ता देखो। नहीं भाई मत करो यार, आप आ जाओ मामले चले जाएंगे। नहीं नहीं आप आ जाओ पहले, हम कैसे आ पाएंगे? ये हमारे हाथ में ही हो गया। राहुल इन्हें पकड़ लिया जरा, भाई दोस्तों सीन ऐसा है कि बीच में कुछ राहगीर मिले थे, वो कह रहे थे कि ऊपर वाला झरना बेकार है, तो हमें लग रहा है पूरी मेहनत बेकार ना हो जाए। वो कह रहे और अलग से बता रहा है कि सांप है वहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, और आप सिनेमैटिक एंजॉय करें वाटरफॉल के। बाकी पसीना आ गया भाई, चल के नीचे से चढ़ के आए है ना, बट अब हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं, कपड़े वपड़े उतार के नहाएंगे, और आप लोग एंजॉय करिए सिनेमैटिक्स। Skies of different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory. It's been hard. दो ढाई घंटे मजे करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, हम एक बार आखिरी बार और जा रहे हैं पानी के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे।
दोस्तों करीब 2.5-3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे मजे करे और इस बेहतरीन व्यू के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी जगह? इस जगह का नाम क्या है? गुत्तू। तो जो रूट है वो मैं आप लोगों को वैसे दिखा चुका हूँ कि कैसे आना है, कहाँ से आना है। हाँ, यहाँ पर आओ, एंजॉय करो, बस कचरा मत फैलाना। हम लोगों जितना भी हम लोग सामान लेके आए थे अपने साथ, कचरा हम सब वापस लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन और वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे। 780 के करीब सब्सक्राइबर्स हम लोग पहुँच चुके हैं और करीब 220 के आसपास रहने हैं 1000 पहुँचने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप सभी लोग अपने एक एक दोस्त के साथ शेयर करेंगे तो हम बड़े आराम से 1000 क्रॉस कर देंगे सब्सक्राइबर। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राहुल भाई ने बहुत पेट अंदर कर रखा है।